कराची के इलाके लियाकताबाद में फर्नीचर के कारखाने में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग बुझाने के लिए दो गाड़ियां इस वक्त तलब कर ली हैं, जो कि आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ अली सैयद से। जी आसिफ, ये आग कैसे लगी और आग पर काबू पाने के लिए क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, लियाकताबाद नंबर 4 का ये इलाका है, ताया होटल मशहूर जगह है। यहाँ पर ये गुंजान आबादी वाला इलाका है, रिहायशी इलाका है। यहाँ पर कारखाने बनाए गए हैं बड़ी तादाद में, और एक ही फर्नीचर बनाने का कारखाना है जहाँ पे सोफे तैयार किए जाते हैं। इसमें आग लगी है और आग लगने की इत्तला पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां फौरी तौर पर रवाना की गई हैं। फायर फाइटर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि एक तो गुंजान आबादी है, पतली गलियां हैं, इस वजह से गाड़ियां वहां पर पहुंचने में भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आबादी बहुत ज्यादा है, लोगों का रश भी बहुत है, तो वो कोशिश कर रहे हैं आग बुझाने की। और उनका कहना यही है कि अगर आग बढ़ती है मजीद तो फिर मजीद गाड़ियां शहर भर से तलब की जा सकती हैं, लेकिन अभी तक ये वजह नहीं मालूम हो सकी कि आग किस वजह से लगी है। अभी सिर्फ उनका जो ध्यान है सिर्फ इस बात पर है कि किसी तरह से आग को कंट्रोल किया जा सके। जी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही। बहुत शुक्रिया आसिफ अली सैयद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।